राजा राजा ही रहता है, रंख रंख रहता है, कितने भी कर लो क्या भी कर लो, जो जनता के अंदर उनके प्रति जो मोहब्बत और रुझान है उनका चेहरे पे, उनकी जो कार्यशैली रही है, जो मोहब्बत रही है आपस में रहा है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आज उसी वजह से आज देखो लोगों का यहाँ आज सैलाब उमड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई पसंद करते हैं तो वसुंधरा राजे को कहते हैं, और मैं आगे भी कहा है दावे के साथ भी कहता हूँ कि अगर वसुंधरा राजे जी को मुख्यमंत्री के रूप में दावेदार अगर करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान का 50% मुसलमान वोट भारतीय जनता पार्टी को करेगा। साथ में कह देता हूँ कि राजस्थान के अंदर आवाज़ आ रही है वसुंधरा वसुंधरा, चाहे हमारे हाई कमान के नेतृत्व सुने ना सुने, आप मीडिया वाले भी जानते हो कि राजस्थान में जिस क्षेत्र में जाती है तो एक ही कार्यकर्ता है। आम जनता से पूछ लो, आप थड़ी पे बैठे हुए, चाहे कोई चाय के होटल पे बैठा हो, चाहे किसी जगह गपशप कर रहा हो आदमी बैठा हो, चाहे दुकान पे बैठा हो, चाहे बिजनेसमैन में बैठा हो, तो एक ही बात आ रही है कि वसुंधरा राजे राजस्थान में चेहरा भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़रूरी है। आम पब्लिक और आम लोगों की आवाज़ है। आप देखो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर का मामला है, वो क्या करते क्या नहीं करते हैं। तन सिंह जी चौहान साहब से उनके गहरे ताल्लुकात और मोहब्बत थी, तो आज सीधे हेलीपोर्ट से 2 बजे उतरते हुए सीधे इस कार्यक्रम में तन सिंह जी के यहाँ आएंगे, और यहाँ उनको श्रद्धांजलि दे के यहाँ कार्यक्रम करने के बाद आम लोगों से भी मुलाकात करें। इसके बाद स्वर्गीय तन सिंह जी चौहान साहब के फैमिली से मिलने के लिए वो घर पर जाएंगे, वहाँ से उनका कार्यक्रम होने के बाद में वो कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी लेंगे, महिला भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ और भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ। इसी के साथ बाड़मेर में मुस्लिम समाज में भी वसुंधरा जी के प्रति बहुत ही मोहब्बत है। भारतीय जनता पार्टी में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई पसंद करते हैं तो वसुंधरा राजे को कहते हैं, और मैं आगे भी कहा है दावे के साथ भी कहता हूँ कि अगर वसुंधरा राजे जी को मुख्यमंत्री के रूप में दावेदार अगर करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान का 50% मुसलमान वोट भारतीय जनता पार्टी को करेगा। और अब देखो हम तो कार्यकर्ता जहाँ कहेंगे हाजिर रहेंगे, लेकिन लोगों का जहाँ तक रुझान है तो ये है। तो आज हम पूरे बाड़मेर ज़िले के मुसलमान उनका ज़ोरदार मुस्लिम समाज की तरफ से इस्तकबाल, जो क्लास इंटरनेशनल होटल है उसमें होगा, उसके बाद रात्रि विश्राम है, विश्राम के बाद सुबह कार्यकर्ताओं से और मुलाकात करने के बाद कनोट मादा मंदिर है, भादरिया मंदिर है, जसोल है, अन्य जगह कार्यक्रम है। और आप देख रहे हो कि वसुंधरा जी एक जाति धर्म की लीडर नहीं है, 36 कौम की वो नेतृत्व करती है और 36 कौम बिरादरी उस पर विश्वास करती है। एक राजस्थान की एक ऐसी नेता है जिन्हा जाती है तो लोगों को भीड़ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं रहती है, लोगों का सैलाब उमड़ जाता है उनके प्रति, उनका मोहब्बत हो जाता है। और नहीं तो हम कितने भी कार्यकर्ता कोशिश करने के बाद भी, आप सब समझ रहे हो मैं कह रहा हूँ, वहाँ इकट्ठे नहीं कर पाते हैं, लेकिन वसुंधरा जी का नाम आता है वहाँ कार्यकर्ताओं का, 36 कौम या किसी भी नहीं हो, जब वो भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यक्रम होते हैं तो हम बड़ी मुश्किल से अल्पसंख्यक मोर्चे के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते से बड़ी मुश्किल से लाते हैं, जब वसुंधरा जी का नाम आ जाता है तो हमें किसी को नहीं है, कांग्रेस बीजेपी किसी के नहीं है, लोगों का इतना एक जोश है, उनके प्रति मोहब्बत है कि वो आ जाएंगे। आज इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, बाड़मेर में उनका वेलकम है, स्वागतम है, राजा राजा ही रहता है, रंख रंख रहता है, कितने भी कर लो क्या भी कर लो, जो जनता के अंदर उनके प्रति जो मोहब्बत और रुझान है उनका चेहरे पर, उनकी जो कार्यशैली रही है, जो मोहब्बत रही है आपस में रहा है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आज उसी वजह से आज देखो लोगों का यहाँ आज सैलाब उमड़ा हुआ है। हर बिरादरी हर जाति का, ऐसा कोई बिरादरी जाति धर्म या नहीं है जो नहीं आ रहे हैं, सब लोग उनके हैं। और हम यही कहते हैं कि राजस्थान में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, प्रदेश में नेतृत्व आए, और जिसको मुख्यमंत्री बनाए वो पार्टी के बड़े स्तर का मामला है, और वो पार्टी जाने, हम उसके बारे में नहीं टिप्पणी करना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं कह देता हूँ कि राजस्थान के अंदर आवाज़ आ रही है वसुंधरा वसुंधरा, चाहे हमारे हाई कमान के नेतृत्व सुने ना सुने, आप मीडिया वाले भी जानते हो कि राजस्थान में जिस क्षेत्र में जाती है तो एक ही कार्यकर्ता है। आम जनता से पूछ लो, आप थड़ी पे बैठे हुए, चाहे कोई चाय के होटल पे बैठा हो, चाहे किसी जगह गपशप कर रहा हो आदमी बैठा हो, चाहे दुकान पे बैठा हो, चाहे बिजनेसमैन में बैठा हो, तो एक ही बात आ रही है कि वसुंधरा राजे राजस्थान में चेहरा भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़रूरी है। आम पब्लिक और आम लोगों की आवाज़ है। आप देखो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर का मामला है, वो क्या करते क्या नहीं करते हैं। इन्हीं तरह बाड़मेर में उनका लोग कहाँ से आ रहे हैं, आपके बोल रहे मुस्लिम जो है वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? मुस्लिम हमारे जैसलमेर से भी आए हैं। बाड़मेर का ऐसा कोई ज़िला नहीं है, सीव पट्टी से लगाकर, चौटन पट्टी से लगाकर, हमारे इधर का बॉर्डर का इलाका इधर है, पाटोदी से हैं, बायतू से हैं, हर जगह से मोमडनों का भारी तादाद में
देख रहे हो आप, अभी आपने देखा है मुसलमानों का बड़ा काफिलों के साथ साथ आ रहा है। विशेष तन सिंह जी से भी लगाव था माया, और वसुंधरा जी के प्रति मैं लगाव होने की वजह से वो मुसलमान उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और हम मुलाकात भी करेंगे।